गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए कनीस फातिमा लोकसभा इलेक्शन के चलते पैदल यात्रा कर डोर टू डोर वोटर से मुलाकात कर कांग्रेस की गारंटी समझा रही हैं। गुलबर्गा एमपी कैंडिडेट राधा कृष्णा डोडेमन जी के सपोर्ट में ये पैदल यात्रा की जा रही है, जिससे लोगों में काफी अच्छा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। कनीस फातिमा की लीडरशिप में पैदल यात्रा का यह दूसरा दिन है, जिसमें कॉरपोरेटर लियाकत पटेल के वार्ड नंबर 28 संतरासवाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से मुलाकात कर एमएलए कनीस फातिमा के साथ फराजुल इस्लाम, एरिया कॉरपोरेटर लियाकत पटेल, नईम खान, मजहर आलम खान, वाहिद अली फातेह खानी और दीगर कई कांग्रेस लीडर्स, सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। वार्ड नंबर 28 संतरासवाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल यात्रा कर ग्रुप मीटिंग के जरिए हर गली मोहल्लों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की गुजारिश की जा रही है। इस यात्रा से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. आज हम लोग यहाँ संतरासवाड़ी में वार्ड नंबर 28 में कैंपेनिंग के लिए आए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। आप देख रहे हैं साथ हमारे कितने लोग हैं और घरों पर भी जा रहे हैं हम लोग। अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है। थोड़ा पानी की थोड़ी सी तकलीफ है, हर जगह है, वो तो वो भी मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और लोग भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस उतना ही है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को 5 स्कीम्स जो हमारे गवर्नमेंट ने वादी की थी 1 साल पहले, वो तमाम स्कीम्स सब घरों में पहुँच रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कांग्रेस सेंटर में आने के बाद ये स्कीम्स भी शुरू हो। मेरे ख्याल से तो 90-95% तो होना चाहिए इंशाल्लाह। लोग समझदार है, लोग इलेक्शन के लिए बल्कि पानी के लिए बल्कि इलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा इंशाल्लाह ताला, जब तक हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से पानी पहुंचाने की, टैंकरों से हो या बोरवेल कराने के, क्योंकि बोरवेल भी सूख रहे हैं इसीलिए नए बोरवेल डालना भी मुश्किल है। और लोग समझते हैं इस चीज़ को, गुलबर्गा की आवाम बहुत ज़्यादा होशियार है माशाल्लाह, आगे का सोच के लोग वोटिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, अच्छा कोई भी कोई शिकायत नहीं है, कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी से, सब पूरे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रेस्पॉन्स है। मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, गुलबर्गा नॉर्थ रुकन असम्बली की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री राधा कृष्णा साहब के हक में एक पैदल दौरा वार्ड नंबर 13 से स्टार्ट हुआ और आज कल कामयाबी के साथ हमारे कारपोरेटर अजहर ने वहां पर एक पैदल दौरा किया और आज वार्ड नंबर 28 में लियाकत पटेल साहब और कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडर्स यूनाइटेडली पदयात्रा कर रहे हैं और डोर टू डोर मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड जिस तरीके से असेंबली में दिए थे, असेंबली के गारंटीज सिर्फ एक साल में नौ दस महीने में पूरे 5 गारंटीज 100% ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो लिहाजा गुलबर्गा की अवाम से हमारी यही अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर का एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में, राधा कृष्णा साहब के हक में इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज वार्ड नंबर 28 में मोहतरमा कनीस फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब, मजहर आलम खान और तमाम कांग्रेस के लीडर, तमाम एरिए के जिम्मेदारान सब मिलकर वार्ड नंबर 28 में डोर टू डोर पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का वजह यह है कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 5 गारंटी दिए गए है, जिसमें से एक अहम गारंटी है 1 लाख रुपये सालाना जो हेड ऑफ़ द फैमिली लेडीज़ को मिलेगा। पिछले बार जो असेंबली इलेक्शन में तमाम औरतों को जो 2000 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह ये भी 1 लाख रुपये अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो लागू होगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि पिछले टाइम जिस तरह से इलेक्शन करे हैं, पिछले टाइम जिस तरह से 2000 रुपये मिल रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार भी कसीर तादाद में वोटिंग करेंगे। अगर यहां से आर के साहब जो एमपी कैंडिडेट हैं अगर उन जीत को आते हैं तो एक एक सीट हम बढ़ाएंगे तो बीजेपी की एक एक सीट कम होंगी। अगर एक एक सीट कम होगी तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, कांग्रेस की अगर हुकूमत बनेगी तो 1 लाख रुपए ये मिलना तय होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर
बड़ी तादाद में आर के साहब को जिताएंगे। उसी तरह जैसे कि पानी का मसला है, थोड़ी बहुत गर्मी है, जो इंतजाम हो सकता है वो इंतजाम करेंगे। धूप की वजह से आप घरों में मत बैठिए, इंशाल्लाह हम पूरे के पूरे मिलके कसीर तादाद में वोटिंग करके आर के साहब को जिताएंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.